Hello guys, good evening. Welcome to an Academy UGCnet. A very good evening to all of you. I hope my voice is all clear, video is all clear. क्योंकि आज से guys हम लोग start करने वाले हैं कुछ नया, कुछ interesting. Computer graphics का crash course मैं आज से शुरू कर रही हूँ guys. And इस class के अंदर मैं आप लोगों से discuss करने वाली हूँ कुछ important बातें related to computer graphics. कुछ previous year questions discuss करेंगे क्योंकि एक ऐसा unit है जो कहने के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफ़ी लेंदी होता है. अलग से एक पूरा सब्जेक्ट होता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, बट एग्जाम के अंदर इसका जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है गाइस. तो जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आप लोगों से आज से स्टार्ट कर रही हूँ एक्चुअली. और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है, आप लोग चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्लीट करवा दूँ यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स, तो वो मैं ज़रूर करवाऊँगी इन वीडियो सीरीज़ के अंदर. तो एक बार जल्दी से मुझे ये भी चेक कराइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, क्योंकि बहुत टाइम से हम क्वेश्चंस ही कर रहे थे. इस वीडियो में भी, मतलब इन वीडियोस में भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, बट क्वेश्चन ओरिएंटेड जो थ्योरी है वो भी साथ के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगी. तो आज तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, कंप्यूटर ग्राफिक्स की बेसिक्स की, सीआरटी मॉनिटर की, रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन, इन दोनों की, इनकी बातें मैं आज करने वाली हूँ. तो एक बार जल्दी से मुझे वीडियो शेयर करके और मेरा ऑडियो चेक करवा दीजिए. स्क्रीन पर सब कुछ विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है सब. आई होप रिफ्लेक्शन वगैरह नॉर्मल हो जाएगा थोड़े टाइम बाद. इज इट ऑल क्लियर है? गुड इवनिंग अमिता, शिवानी, प्रियंका, अल्पना, शीतल, रूबी, पूनम, ऑल क्लियर है? चले गाइस, तो शुरू करते हैं गाइस आज का हमारा ये सेशन, जिसके अंदर आप लोगों से कंप्यूटर ग्राफिक्स डिस्कस करना शुरू करने वाली हूँ. तो कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स, जैसा कि आप लोग जानते हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स से मेजर क्वेश्चन जो आप लोगों के आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो ऑफ कोर्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम से आ जाएंगे, या फिर आप लोगों का जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो मेजर क्वेश्चन आता है गाइस ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है ना. ट्रांसफॉर्मेशन से आपका मेजर क्वेश्चन आता है. और इसमें भी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स, ये आप लोगों के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हुए हैं. इनसे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं, मगर आप इनकी ट्रिक्स सीख लो तो ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी होने वाले हैं गाइस. और काफ़ी जल्दी इनको सॉल्व करके आप अपने 2 नंबर सिक्योर कर सकते हो. जो थियोरिटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो तो बहुत ही सिंपल आते हैं, तो उनकी तो अगर आपने बेसिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत भी, तो आप लोगों के वो क्वेश्चंस 100% सही हो जाएंगे, ठीक है ना. तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज. बिल्कुल बेसिक थीम बनाने की कोशिश करूंगी कंप्यूटर ग्राफिक्स की. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. मेरा नाम अदिति शर्मा है. अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. साथ ही साथ अब से मैंने वैकेंसी अपडेट्स देना भी आपको शुरू कर दिया है. और आज जो मैंने वैकेंसी अपडेट आप लोगों के लिए बनाया था उसमें MCA लोगों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट निकली हुई है. ऑलरेडी MCA हो गया, MSc हो गया, है ना. अगर आपका MCA MSc थोड़े टाइम पहले हुआ था, आपको जॉब फील्ड की एक्सपीरियंस है, तो आप अच्छी खासी वैकेंसीज निकली हुई हैं जैसे मैंने आज ही बताया था, उनके लिए पढ़ाई करिए. अगर आपने UGC नेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप जानते हो कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप लोग. रेफरल कोड Aditi10 लगा के इंस्टेंट 10% डिस्काउंट हो जाएगा. मैंने कंप्यूटर साइंस के सारी की सारी यूनिट्स आप लोगों को कंप्लीट करवाने का प्रॉमिस जैसा किया था, उसमें से 8 यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं. 9th अपनी रनिंग में है एल्गोरिथम. फ्राइडे से मैं एल्गोरिथम के अंदर हैशिंग और बाकी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम शुरू कर रही हूँ. सो यू कैन टेक एनी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके NTUGC नेट में आप मुझे सर्च करोगे अदिति शर्मा के नाम से, तो मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा. सी ऑल पे क्लिक करके आपको सारे के सारे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के कोर्सेज मिल जाएंगे जिसे आप लोग देख सकते हैं. प्लस या आइकॉनिक, दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है वो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं. जैसा मैंने कहा 12 मंथ का प्लस मिनिमम 6 मंथ का आइकॉनिक, ये आपके लिए बेस्ट प्राइस है और बेस्ट आपके लिए तरीका है तैयारी करने का. फीस आप अपने सामने देख सकते हो. अगर कोई बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है UGC नेट की, तो 24 मंथ आप बंद करके ले लेना. स्पेशली मैं बता रही हूँ क्यों, 60% ऑफर ऑलरेडी चल रहा है 12 मंथ पे और 70% ऑफ चल रहा है 24 मंथ पे. तो नए बैचेस बन रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. रेफरल कोड लगाओगे तो इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 10% और 12 महीने की फीस मात्र 12,000. इसमें कहीं नहीं मिलेगा गाइस, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये दोनों आप लोगों के लिए एक ग्रेट ऑफर हो सकते हैं, ठीक है गाइस. तो ये बात मुझे समझ आई नहीं है क्योंकि
जितने ऑलरेडी लाइक्स आ चुके थे वीडियो पे उतने बच्चे मुझे अभी दिख भी नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो ये काम समझ आया नहीं। वीडियो को मैंने कहा एक बार शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, और स्पेशली जितने भी मेरे कंप्यूटर साइंस के प्लस वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे आना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ तो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका कोर्स और जल्दी ख़त्म हो जाएगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो आप रिविजन कर सकते हो। एनी विच वेज, मैं शुरू करती हूँ मेरा कंटेंट पढ़ाना गाइज, और मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ किसकी, कंप्यूटर ग्राफिक्स की। जैसे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो कुछ कोड्स चल रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, और उसके बाद में इमेज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो घिरे हुए हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स से, इस टर्म से। आप और मैं, हम सभी ने कंप्यूटर ग्राफिक्स का सबसे बेसिक पार्ट, अगर मैं बोलूँ बेसिकली मतलब क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट से खेलना, किसी भी ऑब्जेक्ट से खेलना मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका इमेज है, जो भी आपके व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उन सभी आइडियाज़ को, आपके व्यूज़ को, आपके थॉट प्रोसेस को डिजिटली एक्सप्रेस करना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर की मदद से जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो ये सबसे सारा जो आपका दुनिया में आप चीज़ें देख रहे हो, एक इंसान ने जो भी सोचा है, एनी थॉट, एनी आइडिया, एनी विजुअलाइजेशन, जिसे हम डिजिटल फॉर्मेट के अंदर देखते हैं ना, और फिर उसकी हार्ड कॉपी भी हम लोग बना सकते हैं, दैट इज़ व्हाट कंप्यूटर ग्राफिक्स इज ऑल अबाउट। तो बेसिकली कोई भी क्रिएशन, कोई भी मैन्युपुलेशन, कोई भी स्टोरेज, किसी भी तरीके का इमेज का, उसको मैन्युपुलेट करना, उसको रेंडर करना। रेंडर करने का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर इंटरप्रेट करना। क्योंकि जब भी आप कहीं भी जाओगे तो आपको प्लेटफॉर्म की कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि मेरा ही वीडियो अगर आप लोग लैपटॉप पे देखो तो अलग तरीके से दिखता है, मोबाइल पे देखो तो अलग तरीके से दिखता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग उसको रेंडर होना पड़ता है, कभी कभी लैपटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको रेंडर होना पड़ता है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर मैं बेसिक मतलब आपको पूछूं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का बेसिक मतलब ये है कि जो भी हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है उसे हम कैसे पेश करते हैं, कैसे विजुअलाइज करके उसे हम लोग शो करते हैं डिजिटल फॉर्म में, वही आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो जितनी भी हम लोग चीज़ें देखते हैं, जितनी भी आप लोग ग्राफ मतलब आसपास आपकी चीज़ें देखते हो, जो भी मूवीज़ बन रही है, जो भी ये क्रोमा रिलेटेड आप लोगों के वीडियोस होते हैं, ये सब क्या है, ये सारे के सारे ग्राफिक्स का ही पार्ट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, इमेज फॉर्मेटिंग या इमेज प्रोसेसिंग ऐप्स जो आती है आपकी, जिनको आम भाषा में एडिटिंग ऐप्स बोलते हैं। देखते हो ना कि कोई भी जना मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, गोरा हो जाता है, काला हो जाता है, लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसका क्या करना, उससे खेलना, कि ऐसे भी किसी भी फॉर्म के अंदर उसे रेंडर कर देना, बदल देना, इंटरप्रेट कर देना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या, कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब होता क्या है। अलग अलग इसकी डेफिनेशंस होती है, बहुत सारी बुकिश डेफिनेशंस आप लोगों ने सुनी होंगी, दैट इज़ नॉट समथिंग जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लैंग्वेज यहाँ पर यह भी लिखी जाती है, देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सब फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, विच स्टडीज ऑल द मेथड्स फॉर डिजिटली सिंथिसाइजिंग एंड मैन्युपुलेटिंग विजुअल कंटेंट। सिंथिसाइज भी कर सकते हो इसके अंदर आप, और इसके अंदर हम मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो टर्म है यूजुअली आप लोगों की 3D में सोची जाती है, समझी जाती है, या हम आम भाषा में कहें तो हम समझते हैं कि 3D पिक्चर्स को देखना, समझना, पर ऐसे ज़रूरी नहीं है, ये 2D भी हो सकती है। देखो अगर 2D होगी तो XY प्लेन में चलेगी, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो 2D इमेज क्या होगी गाइस, देखो Y एक्सिस है, X एक्सिस है। कोई भी 2D इमेज की बात करूंगी तो यहाँ पर दो मेरे पास में प्लेन्स होंगे, वेयरस अगर मैं 3D की बात करती हूँ तो इस तरीके से मेरे पास 3 प्लेन्स होंगे, Y प्लेन होगा, X प्लेन होगा और Z प्लेन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक क्यूब देखी होगी, ये क्या है, ये आपका 3D प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से बेसिकली जब आपके पास में ओवरलैपिंग ऑफ सर्विसेज हो जाती है ना, इंटरलेसिंग ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो कैसे इमेज को सिंथेसाइज किया जाता है, रेंडर किया जाता है, इन सभी चीज़ों की स्टडी करना, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स या कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं ना गाइस, तो उसकी एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बेसिक मतलब समझाऊं कंप्यूटर ग्राफिक्स का टेक्निकली, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर 3 चीज़ें निकल के आती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें निकल के आती है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है हमारा क्या, फ्रेम बफर। सबसे पहली चीज मेरे पास में आता है मेरा फ्रेम बफर, या फ्रेम बफर तो नाम है इसका, कोई से भी तरीके की मेरी क्या हो सकती है, ये डिजिटल मेमोरी हो सकती है।
या बफर हो सकता है। डिजिटल मेमोरी या बफर, ये जो सारी चीजें हैं ये किसके पास जाएगी? ये जाएगी मेरे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सीजी, दैट इज मेरा डिस्प्ले कंट्रोलर। किसके पास में जाएगी? मेरे डिस्प्ले कंट्रोलर के पास में जाएगी। और ये सारे के सारे आउटपुट्स मैं देखूंगी किस पर? मैं देखने वाली हूं मेरे VDU पे, यानी कि मेरे डिस्प्ले यूनिट पे। तो अगर मैं टेक्निकली आप लोगों से पूछूं तो जो मेरा पूरा का पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो इन तीन टर्म्स के आसपास घूमता है गाइस। यानी सबसे पहले आप कोई भी इमेज किसी भी फॉर्म के हो, आप सबसे पहले उसे बफर में या आपके डिजिटल मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखोगे। स्टोर करने के पास में आपके पास में एक सॉफ्टवेयर होगा, एक कंपोनेंट होगा जो क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा जी? प्रोसेसिंग करेगा। और फिर आप लोग जो भी प्रोसेसिंग आपने करी है, जो भी मैनिपुलेशन आपने किया है या जो भी चीजें आप करना चाहते हो, वो आप देखोगे किस पर? डिस्प्ले यूनिट पे, मेमोरी यूनिट, मॉनिटर डिस्प्ले पे, या जिसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो ये मेरे तीन मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं किसी भी तरीके का कंप्यूटर ग्राफिक्स आप पढ़ रहे हो। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिस पर अभी मैं बात करूंगी, पर तीन मेरी मेजर कंपोनेंट, अगर मैं कभी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स को समझाना चाहती हूँ टेक्निकली, तो हमारे लिए तीन चीज़ें होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं बात करूँ फ्रेम बफर की, तो ये नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा रास्टर स्कैन के अंदर, फ्रेम बफर, है ना। फ्रेम बफर क्या होता है? देखो, टेम्प्ररी जो आपकी पिक्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, उस टेम्प्ररी मेमोरी यूनिट को हम लोग बोलते हैं फ्रेम बफर, ठीक है ना। फ्रेम बफर, बफर तो आप सब जानते हो, टेम्प्ररी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं। और जो फ्रेम है वो क्या है? आपकी जो टेम्प्ररी इमेज या टेम्प्ररी जितने भी पिक्सल मिलकर इमेज को बना रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करना, ठीक है। ये पिक्सल कैसे ड्रॉ होता है इस पर भी बात करेंगे। तो पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो तीन चीज़ों से बना हुआ है, अगर आप लोग समझने की कोशिश करें। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिस पर मैंने आपको सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे UGC नेट के प्रस्पेक्टिव से। वो वीडियो का लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगी, उसको दोबारा से देखना। जितनी भी चीज़ें होती है ना, जितने भी टॉपिक्स उसमें लिखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीज़ों से ही निकल के आते हैं। तो ये चीज़ हम समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेम बफर हो गया या मेमोरी बफर हो गया किस तरीके से काम करता है, डिस्प्ले कंट्रोलर किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से मेमोरी यूनिट्स मेरे पास में होते हैं, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब कंप्यूटर ग्राफिक्स का पूरा कोर्स है। एक तरीके से इन तीन डब्बों के अंदर हमने पूरा का पूरा कोर्स लिख दिया है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, ठीक है ना। उसके बाद डिस्प्ले कंट्रोलर, जो आप जानते हो कि एक इंटरफेस के जैसा काम करता है गाइस, एक आपका काइंड ऑफ यू नो जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है, ये वो चीज़ है आपका जो आपके डिस्प्ले को कंट्रोल करेगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो भी पिक्सल ड्रॉ होता है वो दो ही तरीके से होता है, एक तो रैंडम और एक होता है रास्टर, और ये हम सब जानते हैं ना, दैट इज एक आपका वेक्टर होता है और एक आपका रास्टर होता है। तो ये दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? डिस्प्ले कंट्रोलर किसका कैसे काम करता है, कैसे पिक्चर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है? आपने भी सुना होगा कुछ चीज़ें जो होती है वो प्रिंटेड वाली इमेजेस के लिए, जो प्रिंटिंग इमेजेस होती है ना, उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो नॉर्मली आप लोगों के PNG, GIF या फिर TIFF इन इमेजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कौन से बेटर होते हैं, कौन से डिस्प्ले कंट्रोलर कहाँ पर यूज़ करने चाहिए, कौन से कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं कि क्या प्रोसेसिंग हम लोग करना चाहते हैं किसी भी इमेज पर, ठीक है ना। तो इसी के रिजल्ट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग हमारे सारे रिजल्ट्स को शो करते हैं किस पर? मॉनिटर पर, आपके डिस्प्ले यूनिट पर। और ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हो कि जो आपकी डिस्प्ले यूनिट होती है ये दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं गाइस। एक हम लोग पुराने ज़माने के CRT पढ़ते हैं, जिनके बारे में आज इस क्लास में बात भी करेंगे अगर टाइम बचेगा तो। CRT मॉनिटर होता है आप लोगों का, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते हैं, जो बड़े मोटे वाले डब्बे वाले आपके कंप्यूटर्स आते थे, TVs आते थे, वो होते हैं। और अब जो हमारे पास में आ गया है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है ना, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, LED पढ़ते हैं, LCD पढ़ते थे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर कलर मॉनिटर भी पढ़ते हैं हम लोग, एक तो हम लोगों के पास में मोनोक्रोम था, ठीक है, ग्रे स्केल, एक अब हमारे पास में आ गया, नए ज़माने के आ गए थे, उसके बाद में CRT मॉनिटर जिसमें कलर्स यूज़ होते थे, है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी कि कलर कैसे शो कर सकते हो आप किसी भी एक पिक्सल का। देन आपके पास में फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ गए थे। आज का पूरा ज़माना किस पे चल रहा है गाइस? LEDs पे चल रहा है। तो कैसे आप शो कर रहे हो वो इसमें आ जाएगी सारी चीज़ें। तो एक्चुअली में पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स आपके इन तीन बॉक्सेस से ही निकल के आता है। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो हमको डेफिनेटली पता होने चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को पढ़ने से पहले
हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, इन पे क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैंने डिसाइड किया है कि अगर आप चाहोगे, आप कमेंट करोगे, आप चाहते हो मैं ये चीज़ कंटिन्यू करूँ, तो मैं कल की क्लास के अंदर मैं लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि वो आपके न्यूमेरिकल पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा सीधा आप लोगों से लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, पॉलीगन ड्राइंग एल्गोरिथम, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, हॉफमैन, ये सारी जो एल्गोरिथम्स है ना वो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, क्योंकि नेट में आने की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन्हीं की होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आस्पेक्ट रेशियो का टर्म, ये रेजोल्यूशन का टर्म, ये सब क्लियर होते चलेंगे। इनकी डेफिनेशन डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट डेफिनेशन काम की नहीं है, इनको कैसे अप्लाई करना है वो हमारा काम का है, जिसकी सारी की सारी लिस्ट मैंने बना रखी है। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशन से हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक का काम क्या है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश मैं करती हूँ आप लोगों को कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या डायमेंशंस होते हैं। बेसिकली पूरा का पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ना वो आज की दुनिया के अंदर राज कर रहा है। आप देखो, छोटी से छोटी आप लोगों की इमेज फॉर्मेटिंग से लेकर बड़ी सी बड़ी मूवीज, बड़े से बड़े ग्राफिक्स, बड़े से बड़े ब्लूप्रिंट्स, बड़े से बड़े सिमुलेशंस है ना, हमारे इवन जो हमारा फ्लाइट टेस्टिंग सिस्टम है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, ये सब कुछ किस पर काम कर रहा है गाइस? कंप्यूटर ग्राफिक्स पर। सब कुछ पहले बेसिक कहाँ से शुरू होता है? ग्राफिक्स से शुरू होता है, फिर वहाँ से सिमुलेशन बढ़ता 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 एक्चुअल प्रोजेक्ट पे हम लोग जाते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, अब आप सोचो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स, कि अगर ये पूरा का पूरा एक प्रोफेशन है गाइस, इस छोटे सी चीज़ में पूरा प्रोफेशन है, तो इसकी एप्लीकेशन जो है, जो बोर्ड पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, दिस इज़ नॉट इनफ, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बताने का तरीका है। आपके तमाम इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव दोनों तरीके की एप्लीकेशन जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की होती है। ये जो मैं टर्म बोल रही हूँ आप लोगों को, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन, इसको हम लोग ऑनलाइन ग्राफिक्स भी बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ मॉर्फिंग का, है ना, आप सब जानते हो मॉर्फिंग का क्या मतलब होता है, डुप्लीकेट बनाना। जो एग्जांपल या जो मैंने अभी आपको जीआईएफ दिखाया था ना दो स्क्रीन पहले, वो क्या है, ये मॉर्फिंग ही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना मेडिकल साइंस के अंदर, जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, ये क्या है, ये मॉर्फिंग ही है बेसिकली। और ये सारी चीज़ें कहाँ से, ये भी कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही एप्लीकेशन है। तो ये सब चीज़ें, ये क्या है, ये आप लोगों का ऑनलाइन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशंस के अंदर आती है। कुछ आप लोगों की ऐसी होती है गाइस, जैसे हाँ एनिमेशन भी इसी के अंदर आएगा, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो एनिमेशन भी इसी का पार्ट है, इंटरैक्टिव या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों से गाइस सामने आती है आप लोगों की नॉन इंटरैक्टिव या फिर ऑफलाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स स्कीम्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन सेवर्स आप लोग बनाते हो, ठीक है ना, या फिर आप लोग क्या बनाते हो, जैसे कुछ चीज़ें फोटोशॉप के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी किसके अंदर आती है, नॉन इंटरैक्टिव या फिर ऑफलाइन ग्राफिक्स के अंदर आती है। तो ये जो सारी की सारी डिजाइनिंग स्कीम्स हैं, ये जो सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं, ये एग्जाम में आप लोगों से बार बार पूछी जाती है, इनके बारे में पता होना जरूरी है। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान दीजिएगा। देखो, डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है, जैसे आप लोग जानते हो मेडिकल साइंस हो, साइंसेस से रिलेटेड जो भी है, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेसेस हम लोग बना सकते हैं, जी यू आई किसका देन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही देन है। आइकन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना किसी भी कोड को, ठीक है, इसमें आप लोगों का डिस्प्ले आर्ट आ जाता है, वीडियो गेम आ गया आप लोगों का, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है ना, आपने देखा होगा 16D, अरे 16D पिक्चर्स चलती है गाइस आज के ज़माने में, 16th dimension पिक्चर्स दिखती है। आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स के अंदर इस तरीके से, है ना, 1000-2000 का टिकट होता है, वर्चुअल रियलिटी है। ये सारी चीज़ें किसके एप्लीकेशन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अलावा आपकी सिमुलेशन आ जाते हैं, एजुकेशन फॉर्म के अंदर बहुत बड़ा इसका क्या है गाइस, यूज़ है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। कंप्यूटर के सिमुलेटर्स आप लोग बना सकते हो, फ्लाइट सिमुलेशंस हो गए, फाइट सिमुलेटर्स बनते हैं, दैट इज डिफेंस सिस्टम्स यूज़ करते हैं मिसाइल सिस्टम्स के अंदर, इंफॉर्मेशन का विजुअलाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आती है, ठीक है ना। फिर डिजाइनिंग पार्ट के लिए भी होता है, यहाँ पर भी मेजर यूज़ होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। जैसे आपने सुना भी होगा ऑटो कैड, ठीक है, वो क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइंस बनाना, आर्किटेक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, ग्राफिक डिजाइंस, वेब डिज़ाइन, इन सब के अंदर किसका इनकॉर्पोरेशन होता है, सारी की सारी चीज़ों का इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना, सीधा सीधा बोल रही हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों की क्या पार्ट है, ये सारी की सारी आप लोगों की एप्लीकेशंस होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स की, ठीक है। जैसे आप लोग देखो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोशिश की दिखाऊँ एक यू नो काइंड ऑफ सिमुलेटर,
ये क्या है गाइस, ये एक तरीके से आप लोगों का सॉफ्टवेयर है। अब देखो ऑब्वियसली आप लोग कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो डिस्प्ले कंट्रोलर है, मॉनिटर्स हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन ही है गाइस। ये जो सारी की सारी चीजें मैं पढ़ा रही थी, ये तीन बेसिक यूनिट जिसमें मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको समझाया, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। तो बेसिकली दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो कुछ ऐसा दिखता है। एक एक इमेज के एक एक पिक्सल में हम लोग काम कर सकते हैं। आई होप कि ये इमेज थोड़ी क्लियरली अगर आपको दिख रही है तो हर एक पिक्सल पर यहाँ पर काम हो सकता है, हर एक पिक्सल पर। इनफैक्ट जब मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाती हूँ और उसमें अगर मैं एडिटिंग करवाती हूँ तो वहां पर भी हर एक पिक्सल पे, हर एक माइक्रो सेकेंड पर मैं क्या कर सकती हूँ, चेंजेस परफॉर्म कर सकती हूँ। ये सारी कहानी क्या है, प्लेइंग विद द ऑब्जेक्ट्स ही है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या? कंप्यूटर ग्राफिक्स इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद द इमेज। इमेज के एक एक पिक्सल से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो उसे स्टोर करना, उसे मैन्युपुलेट करना, ये है कंप्यूटर ग्राफिक्स की पावर। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसे फील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर उसका इंपॉर्टेंस है क्या। उसके बाद में सारी चीजें तो आप पढ़ ही लोगे, क्वेश्चंस भी रट ही लोगे, कर लोगे, बट अगर फील है ना तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो फील बनाओ, समझने की कोशिश करो कि आखिर इसकी एप्लीकेशन क्या है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी एप्लीकेशन पता होना जरूरी कि भाई पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैम यूजीसी नेट क्लियर करना है इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं, पढ़ क्यों रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए भी बना रही हूँ कि जितने भी बीसीए वाले बच्चे हैं, एमसीए वाले बच्चे हैं, उन सारे बच्चे का अभी हो चुका है भंटादार। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनमें से पढ़ रहा होगा अभी, क्यों, क्योंकि एग्जाम ही नहीं है, और अब एग्जाम नहीं होते तो हम पढ़ते नहीं है, वैसे भी यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता है। तो उनके लिए अगर आप शेयर कर सको तो जरूर शेयर करना, कोशिश करेंगे कि उनको फील करवा सके कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। चले गाइस, इससे पहले हम लोग आगे बात करें कंप्यूटर ग्राफिक्स की, मैं आप लोगों से आती हूँ आज के वीडियो के मेन कंटेंट पे, दैट इज मेरा सीआर मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर से मैं बात करूंगी। उससे पहले जो भी आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैंने फीलिंग आपको देने की कोशिश करी, ये जो सारी चीजें हैं ना, अब इसकी टेक्निकलिटी पे हम लोग आ जाते हैं। टेक्निकलिटी पे से मेरा क्या मतलब है, टेक्निकलिटी से मेरा ये मतलब है कि हमको अब ये सारी चीजें करना सीखना है। क्या करना है, ये सारी चीजें करना अब हम लोगों को सीखना है। तो बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर टेक्निकलिटी में जाए तो दो तरीके के ऐसी टर्म्स हैं, दो तरीके की ऐसी प्रोसेसिंग है, दो तरीके के ऐसे आप लोगों के पास में कॉम्पोनेंट्स हैं जिनकी मदद से मैं ये सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स करती हूँ। दो तरीके, देखो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे इम्पैक्ट दिखाना है मेरे डिस्प्ले स्क्रीन पर कि कैसे पिक्सल ड्रॉ हुई, सही है। उसकी सारी इंटरनल प्रोसेसिंग सब कुछ किस पर डिपेंड करेगी, ये दो टेक्निक्स पर डिपेंड करेगी। तो दो ऐसी टेक्निक जिससे मैं एक्चुअली में मेरी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, वो होती है मेरी दो टेक्निक्स, दैट इज रास्टर्स, क्या रास्टर, और एक होती है आप लोगों की वेक्टर। सिर्फ ये दो चीजें हैं जो आप लोगों की पूरी चीजें लेके चलती है। देखो आपका रास्टर ग्राफिक्स जो है इसी को आप लोग पढ़ते हो, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, जिसका दूसरा नाम क्या है, बिट मैपिंग। सबसे कॉमन वे यही है, बट आज के जमाने में क्या यूज होता है, वेक्टर ग्राफिक्स। क्या यूज होता है जी, वेक्टर ग्राफिक्स यूज होता है, और इसका दूसरा नाम आप अच्छे से जानते हो जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम स्कैन। क्या रैंडम, अच्छा कलर दिखेगा नहीं, ठीक है, रैंडम स्कैन। तो ये जो दो आप लोगों के काम है ना, ये दो लोगों आपकी जो टेक्निक्स है, ये सारी टेक्निक्स है जो आपकी कंप्लीट इमेज पर डिपेंड करती है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इमेज कैसे बनेगी। ये है आप लोगों की दो चीजें, ठीक है, एक रास्टर और एक रैंडम। इनके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाती हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में आया था कि क्या क्या आप लोगों से पूछा जाता है ना, इनके अलग अलग नेम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मिल जाएगा तो दिखाएंगे जरूर। हाँ, आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, देखो आपको ये बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल टू रैंडम स्कैन डिस्प्ले। देखो एक तो हो गया वेक्टर, वेक्टर डिस्प्ले भी इसी को बोला जाता है, दूसरा स्ट्रोक राइटिंग भी इसे बोला जाता है, और कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी इसे ही बोला जाता है गाइस, ठीक है ना। लिख देती हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही ऑफकोर्स, ठीक है। तो वेक्टर जो है उसको एक तो रैंडम बोलते हैं हम लोग, एक इसको हम लोग स्ट्रोक भी बोलते हैं, स्ट्रोक, ठीक है जी, स्ट्रोक राइटिंग भी इसी को बोला जाता है, और कैलीग्राफिक,
डिस्प्ले है ना, कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी किसे बोला जाता है, वेंडर वेक्टर को ही या फिर रैंडम को ही बोला जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज आया था मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन के अंदर। तो अब आप बताइए कि क्या नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, है मजेदार, ठीक है ना। तो कैसे आप लोगों की दोनों टेक्नोलॉजीज काम करती है उस पर अब थोड़ी बात करते हैं कि रैंडम और रास्टर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो हम लोग सीआरटी मॉनिटर डिस्कस कर सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। चलो आप पर छोड़ा, क्या पढ़ना चाहेंगे आप, पहले सीआरटी पढ़ाऊं या पहले रैंडम रास्टर पढ़ाऊं, ठीक है। इसके नोट्स बराबर बनाते चलना, पहले ही बता रही हूं मैं। चलिए आप बताइए क्या पढ़ना चाहेंगे, सीआरटी मॉनिटर्स पहले पढ़ना चाहेंगे, उनकी वर्किंग पढ़ना चाहोगे, उनके प्रिंसिपल सीखना चाहोगे, या रैंडम रास्टर पढ़ना चाहोगे। चलो आपको चांस दिया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, इतना टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए गाइस, मैं आप लोगों से बात करूंगी सबसे पहले किसकी, कि ये जो सारे डिस्प्ले यूनिट्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद में हम लोग आएंगे कि ये दो टेक्निक्स किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो मैं किस पर बात करने वाली हूँ, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। किस पर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म्स नहीं लिखूंगी, आईसीटी नहीं बढ़ा रही हूँ, खुद से लिखिए, ठीक है। देखो वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो है ना आप लोगों का, जिसको हम लोग आम भाषा में मॉनिटर्स भी बोलते हैं, ये आप लोगों के दो तरीके होते हैं गाइस, दो बेसिक टेक्नोलॉजी है जिस पर डिपेंड करते हैं। एक आप लोगों का जैसे मैंने कहा था कैथोड रे ट्यूब है ना, बेसिकली कैथोड रे ट्यूब, ये क्या है, ये आप लोगों का टनल फॉर्म होता है, टनल फॉर्म ऑफ डिस्प्ले मॉनिटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो मोटे डब्बे होते थे ना पुराने जमाने के। एक होता है आपका नया जमाने का गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। एक होता है आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले। नो ऑडियो, अरे भाई ऑडियो क्लियर है, हेलो हेलो, मेरे साइड से ऑडियो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका कैथोड रे, और एक हो गया आप लोगों का गाइस फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये नए जमाने के, ये पुराने जमाने के मॉनिटर्स। अगर मैं आप लोगों से बात करूं नए जमाने से पहले पुराने जमाने की, तो देखो पुराने जमाने के मॉनिटर्स में गाइस अलग अलग टाइप ऑफ मॉनिटर्स मेरे पास में होते थे, जैसे कि एक होता था आपके पास में गाइस डायरेक्ट सीआरटी, डायरेक्ट सीआरटी है ना, डायरेक्ट सीआरटी होता था। फिर एक आपके पास में आता था गाइस मोनोक्रोम, जिसको आज हम पढ़ेंगे, मोनोक्रोम सीआरटी आपके पास में होता था। फिर हम लोग इन जमाने में आगे बढ़े और मोनोक्रोम से आपने देखा कलर सीआरटी आने लग गए थे, है ना, 90s के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कलर सीआरटी आने लग गए थे। पहले के जमाने में हमारे पास कलर नहीं होता था टीवी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में मिक्स आ गए थे, जिसको हम लोग कॉम्पोजिट सीआरटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, कॉम्पोजिट सीआरटी बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ आप लोगों की कैथोड रे डिस्प्लेज आए थे, जो कैथोड रे सीआरटी पर ही डिपेंड करते थे। फिर आप लोगों के गाइस फ्लैट पैनल डिस्प्ले आए। ये जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ना, ये आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आप लोगों के एमिसिव, इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, थोड़ा ध्यान देंगे, एमिसिव होते थे। और एक होते हैं आप लोगों के नॉन एमिसिव, एक होता है आपका एमिसिव और एक होता है आपका नॉन एमिसिव। देखो एमिसिव और नॉन एमिसिव दोनों की अगर मैं बात करूं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई भी मुझे बताना चाहे, एक है एमिसिव और एक है नॉन एमिसिव, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर मैंने कभी बताया होगा वैसे तो क्लास में कभी, आईसीटी में कहीं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे एमिसिव और नॉन एमिसिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ गाइस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो आपके एमिसिव होते हैं ना, ये एमिसिव जो है वो क्या करते हैं, आप लोगों की जो एनर्जी है उसके कन्वर्जन में क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं आपकी हीट एनर्जी के अंदर,
ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, हीट नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। सो लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ही कन्वर्जन करते हैं। वेयर एज आप लोगों की जो नॉन इमिसिव होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो भी लाइट एनर्जी बन रही है ना गाइस, ये किससे आती है, अदर देन इलेक्ट्रिक से आती है। जो भी आप देख रहे हो ना, नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म से आ रही है, नॉन इलेक्ट्रिक टू लाइट। तो बेसिकली यहां पर जो आप लोगों की लाइट एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स। वेयर इज नॉन इमर्सिव के अंदर जो आपकी लाइट एनर्जी बन रही है ये नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स से आ रही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ सोलर से। किससे जी, सोलर से। आप लोगों से इनके एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं, एमिसिव और नॉन एमिसिव, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था किसी को अगर याद हो तो। इनका एग्जाम्पल क्या होते हैं गाइस, प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा टीवी जो आते थे आप लोगों के, है ना, या प्लाज्मा मॉनिटर्स आप लोग लिख सकते हो, LEDs, सेमीकंडक्टर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, सेमीकंडक्टर जिसके अंदर यूज होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब जो कैपेसिटी रखता है एनर्जी को स्टोर करके रखने की, कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाते थे, लाइट एनर्जी बनाते हैं। ऑफकोर्स क्या होता है, हीट भी डिस्पैच होता है तो हीट एनर्जी भी निकलती है, इसलिए मैंने हीट भी लिख दिया था। फिर आते हैं आप लोगों के गाइस ये, तो इनका बेस्ट एग्जांपल है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD नॉन एमिसिव होते हैं आप लोगों के। क्या होते हैं जी, नॉन एमिसिव होते हैं। तो ये आप लोगों का कंप्लीट मॉनिटर चार्ट है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट चार्ट है, है ना, या वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस भी इनको बोला जा सकता है, जिसमें आप लोगों की क्या क्या चीजें आती है, कैथोड रे ट्यूब आता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले आता है, कैथोड रे ट्यूब के अंदर गाइस डायरेक्ट मोनोक्रोम कलर कॉम्पोजिट CRT आते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर आप लोगों के प्लाज्मा मॉनिटर्स LED मॉनिटर्स आते हैं, देन आप लोगों के LCDs आते हैं एमिसिव एंड नॉन एमिसिव के पार्ट के अंदर। तो ये हैं आप लोगों के कुछ टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आज हम लोग बात करेंगे किस पे गाइस, मैं बात करूंगी आप लोगों से कलर मॉनिटर पे, CRT मॉनिटर्स पे। तो ये किसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आप लोगों को, ये CRT मॉनिटर्स है गाइस। अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, इस तरीके से आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन बीम्स है, वो स्ट्राइक करती है किस पर, एक फॉस्फोरस कोटेड प्लेट होती है। और अगर इस प्लेट को थोड़ा जूम करके दिखाया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है आप लोगों का पिक्सल, है ना, ये क्या है, ये है आप लोगों का पिक्सल। तो बेसिकली ये क्या है, ये पूरा का पूरा CRT मॉनिटर का डिस्प्ले है, ऐसा कुछ दिखता था ये, ठीक है ना। इसको आप कैथोड बोलते हो, ये पूरा का पूरा आप लोगों का कंडक्टिंग कोटिंग है, है ना, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें चल रही है। एनोड गन आपके पास में होती है, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन आपके पास होती है, इलेक्ट्रॉन बीम्स है, और ये जो सारी की सारी चीजें हैं इनके अंदर अगर मैं कलर फॉर्मेशन करना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप रेड वी ब्लू ग्रीन RBJ मॉडल के अकॉर्डिंग, ये कलर CRT का टीवी है गाइस। क्यों, इसके अंदर शेडो मास्क है ना, शेडो मास्क या बीम पेनिट्रेशन जब भी लिखा हुआ आ जाए तो ये चीज याद रखना वो किस पर बात कर रहा है, कलर पर। पर मैं आप लोगों को बताती हूँ एक नॉर्मल CRT कैसे काम करता है, है ना। तो नॉर्मल CRT की अगर वर्किंग की हम लोग बात करें गाइस, कि वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मेरी थोड़ी ड्राइंग को माफ करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। बेसिकली मैं समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बता सकूं कि कैसी होती है। ठीक है, बेसिकली देखो क्या है, ये आप लोगों की कोटिंग शील्ड मैंने बनाई है, जिसके अंदर आपका सारा जो रिट्रेसिंग है, जो सारा का सारा वर्किंग है वो होगा। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है गाइस एक हीटिंग फिलामेंट, ठीक है, ये क्या हीटिंग फिलामेंट है, ये जो मैंने बनाया है गाइस, ये क्या है गाइस, एक एनोड गन है,
और एनोड गन जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन वैसे नेगेटिवली चार्ज होता है, बट मैं गन के लिए बोल रही हूँ। एनोड पॉइंट क्या, पॉजिटिवली चार्ज को एनोड बोलते हैं, नेगेटिवली को कैथोड बोलते हैं, बचपन में पढ़ा था। अब ये क्या है, यहां से बेसिकली सॉकेट लगा हुआ होगा, इस सॉकेट से आपने क्या किया, फिलामेंट को हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने इसे प्रोवाइड की। ये जो एनोड गन है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगी, भेजेगी। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आप लोगों का यहाँ पर निकलना शुरू करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है यहाँ पर से, ये देखो बीम, बीम बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेज। तो ये पूरा का पूरा निकल लेगा, यहां से निकलने से के बाद में इसमें क्या होता है गाइज, इसमें होते हैं दो क्या आप लोगों के प्लेट्स, कौन कौन से प्लेट्स होते हैं, एक मेरे पास में होता है गाइज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, है ना, एक मेरे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट, और एक मेरे पास में क्या होता है, एक मेरे पास में होता है गाइज वर्टिकल प्लेट्स। तो बेसिकली एक मेरे पास में हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं और एक मेरे पास में होती है वर्टिकल प्लेट्स, जहां से ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये जब भी रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होगी या इधर उधर जाएगी, डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, तो इनको कॉन्सेंट्रेट करके क्या करने की बात हो रही है, हम डायरेक्टली इनको स्क्रीन पे लाने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से ये क्या होगी, डिस्पैट होने की कोशिश करेगी, और कुछ होंगी जो क्या करेंगी, यहां पर आप लोगों को पिक्सल ड्रॉ करके दे, ये क्या है आप लोगों का, पिक्सल को ड्रॉ करके आप लोगों के लिए यहां पर देगी। ठीक है, थोड़ा रफ डायग्राम है बट काम कराने के लिए या काम चलाने के लिए ठीक है, मतलब है ना, अब एम एफ हुसैन में नहीं हूं, तो आपके पास अलग अलग प्लेट्स होते हैं गाइस। तो ये सब, ये दोनों क्या है आप लोगों के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स क्या करती हैं, ये बेसिकली कंट्रोल करती है इलेक्ट्रॉन बीम को। फिर क्या होता है, ये जो आप लोगों की स्क्रीन है, बेसिकली क्या है, ये स्क्रीन है गाइस, इस तरीके से जो हमारी स्क्रीन दिखती है ना हमको, इस तरीके की कुछ स्क्रीन दिखती है, तो मैंने उसका पार्ट बनाने की कोशिश करी है। ये क्या है आप लोगों का, ये फॉस्फरस, फॉस्फरस कोटेड स्क्रीन है, जिस पर आपका क्या है, एक पिक्सल को शो करने की यहां पर कोशिश हो रही है। तो ये है आप लोगों का कंप्लीट सीआरटी मॉनिटर की वर्किंग, कि कैसे आपका सीआरटी मॉनिटर काम करता है। तो अब अगर यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इसमें काम क्या हो रही है, ये जो पूरा का पूरा मॉनिटर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कोटिंग होती है ये फॉस्फोरस की ही होती है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कौन सी कोटिंग काम करती है, ये फॉस्फोरस कोटिंग काम करती है। पिक्सल कैसे ड्रॉ होता है, क्या इसकी कंप्लीट वर्किंग होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को निकल के आएंगे। समझ नहीं आ रहा है, अच्छा समझ आ रहा है, हाँ वेरी गुड, समझ में आना जरूरी है, अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, वैसे नॉट बैड, ठीक है यार, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है मेरी ड्राइंग। तो गाइस अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहाँ पर काम क्या चलता है या कैसे आप लोगों की एनोड गन काम करती है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड गन होती क्या है। तो जैसा हम लोगों ने बोला, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बीम्स को फायर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन बीम को फायर करती है। फायर करते समय हमारे पास में यहाँ पर दो चीजें होती है, कौन कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी हुई है और एक वर्टिकल प्लेट लगी हुई है। दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो इनका काम क्या होता है, इन्हीं का काम होता है कि किस तरीके से रास्टर स्कैन या रैंडम स्कैन डिस्प्ले आपको चाहिए आपकी कोटिंग स्क्रीन पर, है ना। तो ये जो सारा का सारा सीआरटी ऑपरेशन है ये इस एमिटिंग पॉइंट दैट इज एनोड गन से निकलते हुए आगे बढ़ता है, वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट के सामने जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्ट्राइक करते हैं इन प्लेट्स पर और वापस से कहाँ होते हैं, कॉन्सेंट्रेट या कन्वर्ज करवाने की हम लोग कोशिश करते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैसे ही आप लोगों का ये बीम स्ट्राइक होता है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर, तो क्या निकलती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और ये जो एनर्जी का कंप्लीट ट्रांसफर होता है ये कौन से लॉ के बिहाफ पे होता है, ये भी अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं तो आपको क्या लिख करके ले आना है, किस पर डिपेंड करता है, गॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर, कि कहां पर पिक्सल ड्रॉ होगा, कैसे पिक्सल ड्रॉ होगा, एनर्जी का कन्वर्जन, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो कि एक एनर्जी कभी भी बनाई नहीं जाती, नॉन डिस्ट्रॉयड, ये तो हम सब जानते हैं, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने क्या किया है, हमने
लाइट एनर्जी बनाने की कोशिश करी है। अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी की कि एक्चुअली में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ पर होती है। तो के जो आपका सीआरटी होता है ना, इस सीआरटी मॉनिटर की जो वर्किंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आप लोगों का फ्रेम बफर का। ये जो आपकी पिक्सल इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी रे कहाँ पर स्ट्राइक करी है, कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक करी है, किस तरीके से पूरे के पूरे स्क्रीन पे कौन से पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया है, ये सारा एक्स वाई प्लेन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर की जाती है, फ्रेम बफर पे स्टोर की जाती है। सो द स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट दैट इज योर पिक्सल, इसकी इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, फ्रेम बफर का इस्तेमाल करते हैं गाइस। यहाँ पर फ्रेम बफर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है, जो ये इल्यूमिनेशन होता है लाइट का, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, फ्रेम बफर में स्टोर होती है। ये जो आप लोगों की प्लेट से इनका वर्किंग भी पूछी हुई है, तो आप भी जानते हो क्या है, कंट्रोल करना, इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करना इनका मेजर काम है। प्लेट्स का काम क्या है, फॉस्फोरस का काम क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी, इनसे आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, है ना। ठीक है, कौन सा लॉ यूज होता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, तो ये भी आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया बात होगी। साथ ही साथ आप लोगों से यहाँ पर रेजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं गाइस। तो देखो बेसिकली एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, यहाँ पर जब मैं रास्टर स्कैन समझाऊंगी ना तब आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली एस्पेक्ट रेशियो मतलब होता है जितने भी वर्टिकल पिक्सल्स हैं उनका जब आप लोग क्या निकालते हो, रेशियो हॉरिजॉन्टल पिक्सल से, तो अब हम उस इमेज की एस्पेक्ट रेशियो बता सकते हैं। सो वर्टिकल आप लोगों के जितने भी पिक्सल्स है ओवर हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स जो होते हैं वो होता है आपका एस्पेक्ट रेशियो, और एस्पेक्ट रेशियो का इन्वर्स ही प्रोपोर्शनल होता है रेजोल्यूशन। ठीक है, तो रेजोल्यूशन जैसे मान लो कि आपने देखा डिफॉल्ट रेशियो 600 × 800 होता है, मेजरली सभी इमेजेस का इतना ही होता है। तो अगर उसका रेजोल्यूशन में आपसे पूछूं तो उसका रेजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 800 × 600 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल जो आप लोग बना सकते हो किसी भी एक स्क्रीन पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल हम किसी भी एक स्क्रीन पर बना सकते हैं, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर इस इमेज के अंदर, विदाउट ओवरलैपिंग। और वो ओवरलैपिंग को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, यूजिंग गॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसे हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स आप लोग यूज करोगे किसी भी इमेज को बनाने में उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी गाइज उसकी, जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतनी अच्छी वो आप लोगों को इमेज दिखती है। समझ में आ गया। इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पर निकल के आती है, परसिस्टेंट, है ना, किसी भी इमेज के अंदर परसिस्टेंस आप लोगों से पूछ लिया जाता है या इमेज परसिस्टेंट कितनी है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं सीआरटी मॉनिटर के अंदर या बेसिकली किसी भी डिस्प्ले यूनिट का परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो ये जो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन मैंने बनाई है ना, इस फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन के अंदर कोई भी एक पिक्सल कितनी देर तक अपने आप को मेंटेन करके रखता है, परसिस्ट करके रखता है, यानी हाउ लॉन्ग द फॉस्फोरस प्लेट कंटिन्यू टू एमिट व्हाट लाइट आफ्टर द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्ट्राइकिंग ऑन इट। ठीक है, मतलब पिक्सल कितनी देर तक वहां पर प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, परसिस्टेंस, उसे हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस। ठीक है ना, यूजुअली जैसे 32 मिलीसेकंड, यूजुअली आपका 32 मिलीसेकंड जो होता है वो पिक्सल परसिस्टेंट हम लोग मानते हैं। समझ में आ गया। तो फॉस्फोरस प्लेट से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर कभी कभी एग्जाम में बिट डेप्थ के बारे में भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बिट डेप्थ कितनी होती है। तो देखो बिट डेप्थ का मतलब कभी कभी कलर डेप्थ भी होता है, है ना, जैसे ये तो मैंने अब आपको सीआरटी बनाया है, बट बिट डेप्थ को ही कभी कभी कलर डेप्थ भी बोल दिया जाता है। ऑल दो जब मैं आप लोगों को कलर मॉनिटर्स पढ़ाऊंगी कल की क्लास में तब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी बिट डेप्थ के बारे में भी, है ना। तो बिट डेप्थ क्या होता है आप लोगों का, बिट डेप्थ का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज किए हैं आपने किसी भी एक पिक्सल को ड्रॉ करने के लिए या किसी भी एक कलर को शो करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं बिट डेप्थ। ठीक है, तो ये होता है गाइस आप लोगों का सीआरटी मॉनिटर का वर्किंग। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कुछ इसी तरीके से होता है। कल मैं आप लोगों को कलर मॉनिटर की बात करूंगी, दोनों तरीके शेडो और बीम पेनिट्रेशन दोनों की हम लोग बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाई वो मैंने लिख दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स अच्छे बन जाएंगे आप लोगों के। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, कंट्रोल इलेक्ट्रोड क्या होता है, फोकसिंग सिस्टम क्या होता है, डिफ्लेक्शन योक क्या होता है ना। फिर इसके अलावा फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इन्हीं के मिक्सचर से हम लोगों ने क्या बनाई है, प्लेट्स बना दी है। ठीक है, तो जो प्लेट्स मैंने समझाई वही है यहाँ पर। सो डिफ्लेक्शन योक क्या होता है, इट इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, यही है प्लेट्स। ठीक है ना, यहीं पर इसे बोला जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आयुष बोल रहा है कि मैम जब भी रिफ्रेश करते हैं, देखो रिफ्रेश रेट क्या होती है, रिफ्रेश रेट जो है जब हम लोग रैंडम स्कैन रास्टर स्कैन पढ़ेंगे ना, तब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम बफर्स और डिस्प्ले लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है, जब भी आप लोग जैसे रैंडम स्कैन आप लोग करते हो, देखो अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ, थोड़ा एक मिनट लेके आप लोगों का डिस्कस करूँ, अगर मैं बात करूँ किसकी गाइस, रास्टर स्कैन की, है ना, रास्टर स्कैन की अगर मैं बात करूँ तो रास्टर स्कैन के अंदर क्या होता है, रास्टर स्कैन के अंदर टॉप टू बॉटम एंड राइट लेफ्ट टू राइट इस तरीके से क्या होती है, वर्टिकल लाइंस और आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रेज है गाइस, बीम्स है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, टॉप टू बॉटम दैट इज वर्टिकल इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग की है और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बीम्स को छोड़ा है। ये जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं ना, जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, इन दोनों के टकराने से, स्ट्राइक करने से क्या होता है, अब क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन दोनों के स्ट्राइक करने से क्या होता है, लाइट एनर्जी एलिमिनेट होती है। ये जो लाइट एनर्जी एलिमिनेट होती है ना, उससे बनता है गाइस पिक्सल। ये बहुत क्लोज होता है, मैंने समझाने के लिए थोड़ा वास्ट बनाने की कोशिश की है, बहुत ही छोटा सा क्या होता है, ये लाइट एलिमिनेट होती है, ये जो लाइट एलिमिनेट हुई है, इसका जो भी इंफॉर्मेशन है, इसका जो भी पोजिशन, जो भी ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन है ऑन एक्स वाई प्लेन और ऑन 3D प्लेन अगर हम बात करें, इसको हम क्या करते हैं, बफर में स्टोर करते हैं। कहाँ पे, बफर में स्टोर करते हैं। और ये जो बफर होती है ना, ये रास्टर स्कैन के अंदर कहलाती है फ्रेम बफर। देखो दोनों की टेक्निकलिटी में डिफरेंस है बेसिकली। तो ये जो फ्रेम बफर है ना, वो इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जो भी इलिमिनेटेड आप लोगों का क्या है, पिक्सल है, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अब जो आपकी फ्रेम बफर की लेंथ है ना, उस पर डिपेंड करता है आपका क्या, रिफ्रेशिंग। जब भी आप रिफ्रेश करोगे, एवरी टाइम यू रिफ्रेश, क्योंकि दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये जो आप लोगों का स्ट्राइकिंग है ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रॉन बीम्स, इलेक्ट्रॉन रेज, ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसके अंदर कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग हो रही है, कंटिन्यूसली आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और लाइट एनर्जी एलिमिनेट होगी, कंटिन्यूसली पिक्सल बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो जब भी आप रिफ्रेश करते हो, तो रिफ्रेश का मतलब क्या हुआ, ये फ्रेम बफर जो है ना, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे आप रिफ्रेश करते हो, फ्रेम बफर की वैल्यू चेंज, जैसे ही रिफ्रेश करोगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेश रेट, पर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर आपने कितनी बार रिफ्रेश किया है फ्रेम बफर को, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम रेशियो, या फिर रिफ्रेश रेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियसली परसिस्टेंस, और अगर मैं बात करूँ किसकी, रिफ्रेश रेट की, तो कैसे हो सकता है इनका रिलेशन, इनका रिलेशन ऑलमोस्ट, देखो अगर मैं बोल रही हूँ एक पिक्सल कितने टाइम तक ड्रॉ होता है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे, वो तो कहलाता है परसिस्टेंस, और रिफ्रेश रेट क्या होता है, कितने बार नए 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 बन रहे हैं। तो एक्चुअली दे बोथ आर वेरी डिफरेंट, ऑलमोस्ट ऑपोजिट्स। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स आप लोगों ने बनाए हैं, डिवाइडेड बाय जितने हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स आपने बनाए, वर्टिकल पिक्सल्स अपॉन हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स। इसको हम लोग बोलते हैं गाइस एस्पेक्ट रेशियो, यूजुअली ये इतना होता है, यूजुअली, ठीक है ना। और रेजोल्यूशन होता है इसका कंप्लीटली ऑपोजिट, ऐसे लिखते हैं हम, लिखा डिवाइड है, देखो इंटू करके लिखा है, पर ऐसा ही लिखा जाता है नॉमेनक्लेचर। समझ में आया थोड़ा बहुत, इट मेक सेंस। एंटी एनालाइजिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। जिगजैग क्या होता है, एनालाइजिंग हमारी इमेज के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम एंटी एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। तो रैंडम स्कैन या फिर रास्टर स्कैन, तो रास्टर स्कैन आज हम लोगों ने पढ़ा, कल रैंडम स्कैन को भी पढ़ाएंगे जरूर, बट रास्टर स्कैन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को इसकी वर्किंग पढ़ाई। इसी के अंदर एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरलेसिंग। इसी के अंदर एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस इंटरलेसिंग, इंटरलेसिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है ना। इंटरलेसिंग क्या होता है, ठीक है, तो आपको मुझे आज होमवर्क क्वेश्चन में इसका आंसर देना है ना, इसका आपको आंसर मुझे देना है, ठीक है। इंटरलेसिंग क्या होता है, या हॉरिजॉन्टल रीट्रेस, वर्टिकल रीट्रेस, ऐसी दोनों टर्म्स, इन दोनों टर्म्स का मतलब आपको मुझे बताना है।
ये आज आपका होमवर्क है, सर्च करेंगे कल की क्लास के अंदर। अगर आप चाहोगे तो इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें मैं आप लोगों से कल रैंडम डिस्प्ले डिस्कस करूंगी, इसके अलावा दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ कलर मॉनिटर्स पे बात करेंगे, है ना, शैडो और बीम पेनिट्रेशन दोनों मेथड्स पे बात करेंगे कि किसी भी मॉनिटर के अंदर, किसी भी कलर मॉनिटर के अंदर क्या आता है, कलर कैसे आता है वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे गाइस नॉन एमएसएव और एमएसएव आप लोगों के मॉनिटर्स के बारे में, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके, और हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मैम कैन यू क्लियर वन डाउट ऑफ माइंड दैट व्हाई इज द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ ट्री एंड इट्स हाइट आर बोथ सेम। देखो लेवल ऑफ ट्री जो है उसको हम यूजुअली डेप्थ ऑफ ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं किसी भी ट्री की बात करूं, ठीक है ना, तो ट्री के बॉटम से यानी कि लीफ से, लीफ नोड से रूट नोड तक का जो उसका रास्ता होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है ना। वेयर एज जो आप लोगों का लेवल ऑफ द ट्री होता है वो होता है आप लोगों का रूट नोड से लीफ नोड तक का रास्ता। तो बेसिकली देखो अगर मैं रूट नोड से, रूट नोड या बेसिकली लेवल को हम डेप्थ से शो करते हैं, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से रूट नोड पर पहुंचने में कितना आप लोगों का एजेस लगे, तो जीरो लगे हैं, ठीक है। रूट नोड से नेक्स्ट नोड, अगर इस नोड की डेप्थ निकाल रही हूँ, समझ रहे, इस नोड की डेप्थ निकाल रहे हो, तो रूट नोड से उस नोड तक पहुंचने में कितने एजेस लगे हैं, तो वन एजेस लगे हैं। यहाँ पर जितने भी होंगे उन सबको वन लगेंगे। देन अगर मैं लीफ नोड की बात करूं, लास्ट की बात करूं, तो लास्ट नोड दैट इज द डेप्थ ऑफ लास्ट नोड वो क्या होगा, आपका डेप्थ ऑफ ट्री होगा, लेवल ऑफ ट्री होगा। तो रूट नोड से उस नोड तक पहुंचने में कितना एजेस लगे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ द ट्री। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितना है, वन टू एंड थ्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, वन टू एंड थ्री, तो ऐसे निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। बेसिकली हाइट को नीचे से मेजर किया जाता है और लेवल को ऊपर से मेजर किया जाता है। अब क्योंकि दोनों इनिशियल रूट नोड से और लीफ नोड से हो रहे हैं तो दोनों सेम आएंगे, बट नोड के लिए डेप्थ और हाइट सेम हो ये जरूरी नहीं, ठीक है ना। नोड के लिए पर्टिकुलर, रूट के केस के अंदर या ट्री के केस के अंदर बोल सकते हैं, बट नोड के लिए सेम हो ऐसा जरूरी नहीं, बट लेवल ऑफ द नोड एंड डेप्थ ऑफ द नोड इज द सेम थिंग, ठीक है। आई होप कि एएस आपको समझ में आया होगा, मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ आपका क्वेश्चन है, शायद आप यही पूछने की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है प्लस पे, तो उसकी बात करेंगे। जरूर कमेंट करके बताइएगा गाइस कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, बहुत दिनों बाद हम लोगों ने थ्योरी सेशन लिया है, इसी को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत जगह मिल जाएंगे। कल मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी बट साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूंगी कि कैसे आपके इमेजेस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, बेस आज मैंने तैयार करने की कोशिश की है। बाकी तो आप सब जानते ही हो, कंप्लीट कोर्सेज आप लोगों के 8 यूनिट ऑलरेडी हो चुकी है, बची हुई 2 यूनिट्स करवाने वाली हूँ, राइट, किस पे, आपके कंप्यूटर साइंस प्लस कोर्स के अंदर। इसी में गाइस पेपर 1 भी हो जाएगा, पेपर 2 भी हो जाएगा, तो जितने जल्दी सब्सक्रिप्शन लोगे उतना बेटर है। फ्राइडे से मैं आप लोगों के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन और बाकी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम शुरू कर रही हूँ। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, रेफरल कोड Aditi10 है, ज्वाइन करिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।